बैतूल जिले की बेटी दुर्गा, जो पिछले 10 सालों से बैतूल रेलवे स्टेशन पर कुली का काम कर रही है। घर की माली हालत ठीक ना होने की वजह से दुर्गा ने अपने परिवार का बोझ अपने कंधों पर लिया और स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों का बोझ उठाना शुरू कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। एक तरफ देश में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी सुर्खियों में है। गुजरात के जामनगर में हो रही इस ग्रैंड वेडिंग में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड और राजनीति से लेकर क्रिकेट जगत तक के सेलिब्रिटीज शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में धूमधाम से हुई एक और शादी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मामला MP के बैतूल जिले का है, जहां जिले की इकलौती महिला कुली ने रेलवे स्टेशन के सामुदायिक भवन में शादी रचाई। सादे समारोह में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर के सामने दूल्हा दुल्हन ने शादी की रस्में पूरी की। इस खुशी के मौके पर इलाके के बड़े अफसर और विधायक भी मेहमान बने और नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। समारोह में बैतूल सांसद दुर्गादास उइके भी जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पहुंची। कुली के रूप में जो अपनी सामर्थ्य के साथ में अपना दायित्व निभा रही है और अपने परिवार के उदर पोषण से लेकर समाज को नारी सशक्तिकरण का ये उत्कृष्ट उदाहरण है। हम सब लोग उसके विवाह समारोह में आज रेल प्रशासन और हमारी बिटिया गौरी और सारे हमारे आत्मीय स्वजनों ने ये कार्यक्रम रेलवे स्टेशन पर परीक्षालय में ये रखा हुआ है। कुली बनी दुल्हन सज धज कर शादी के जोड़े में बाइक पर सवार होकर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पहले से ही रेलवे प्रशासन, RPF स्टाफ और GRP स्टाफ शादी की व्यवस्था संभाले हुए थे। बैतूल रेलवे स्टेशन परिसर के कल्याण केंद्र में महिला कुली दुर्गा की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। उससे पहले हल्दी और मेहंदी की रस्में भी स्टेशन के वेटिंग रूम में धूमधाम से पूरी की गई। खूब नाच गाना हुआ। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि हल्दी की रस्में निभाती बैतूल की बेटी कितनी खुश नजर आ रही है। दुर्गा की प्रेम कहानी भी उनकी शादी की रस्मों की तरह ही खास है। रेलवे स्टेशन पर नौकरी के दौरान दुर्गा की दोस्ती RPF की लेडी कांस्टेबल फरा खान से हुई थी। फरा खान ने दुर्गा से शादी के बारे में बात की, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए दुर्गा ने शादी से इनकार कर दिया। फिर भी फरा ने उन्हें मना लिया और उनके लिए परफेक्ट मैच ढूंढ लिया। इसी के साथ RPF में पदस्थ AASI दीपक देशमुख ने आठनेर के जामठी में रहने वाले अपने किसान मित्र सुरेश भूमरकर से दुर्गा की शादी की बात शुरू कर दी और ऐसे ही शादी तय हो गई। शादी को लेकर बुधवार रात रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में हल्दी और मेहंदी की रस्म अदा की गई। सर, मैं दुर्गा को 2.5 साल से जानती हूँ और देखी हूँ सर कि वो कितनी ज़्यादा मेहनती है और हमेशा मतलब बहुत मेहनत से ही काम करती रहती थी। फिर मैंने उससे पूछा, दुर्गा आप मैरिज क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसने बताया कि दी मेरे साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और मेरी स्वर्गीय बहन की एक बेटी है जिसकी मैं देखभाल में बिज़ी रहती हूँ, इसकी वजह से मैं मैरिज जैसा रिस्क नहीं ले सकती हूँ। फिर बाद में सर, हमारे ऑफिस के एक सर हैं ASI देशमुख सर, उनके जो बेस्ट फ्रेंड हैं 100% श्योर थे कि वो मतलब ऐसे उसका पूरा साथ देंगे। उसके बाद ही सर मैंने दुर्गा को बोला कि दुर्गा थोड़ा सोचो मैरिज के लिए, लाइफ बहुत बड़ी है, इतने आसानी से मतलब हैंडल नहीं कर पाऊँगी आप अकेले। फिर वो सोची इस बारे में, फिर उसने फाइनली डिसीजन लिया सर कि मैं मैरिज करूँगी। उसके बाद सर उसने मैरिज के लिए हाँ किया है। बैतूल की इकलौती महिला कुली की शादी, जिसमें सांसद विधायक समेत बड़े बड़े अफसर भी शामिल हुए हो, तो ऐसे में कैसे दुर्गा की खुशी का कोई ठिकाना हो सकता था। शादी के वक्त बैतूल की बेटी बेहद खुश थी। देखिए कैसे उसने अपनी खुशी का इजहार किया है। पापा की स्थिति बहुत बेकार थी और पापा चल फिर भी नहीं सकते थे और उनने सोचा कि बेटा तो नहीं है बल्कि मैं कैसे संभाल पाऊँगा घर का। फिर मैंने सोचा कि मैं एक बेटी होके एक बेटा भी बन के काम कर सकती हूँ और मैंने किया। क्या काम किया आपने? कुली का काम। कितने साल से कर रही हैं? 2011 से। ये वाकई एक शानदार पहल है। इसी तरह से अगर आगे आकर हमारे समाज के लोग बेटियों की कदर करनी सीख जाए तो कभी किसी बेटी को दहेज के लिए जलना नहीं पड़ेगा, कभी किसी बेटी को प्रताड़ित होकर मौत को गले लगाना नहीं पड़ेगा। आज दुर्गा ही नहीं, इस मंडप में मौजूद हर एक शख्स बधाई का पात्र है,
जिसने आगे आकर एक गरीब बेटी के दामन को हमेशा के लिए खुशियों से भर दिया और समाज को एक बेहतरीन संदेश दिया। नमस्कार।